आज हम अपने गांव मासू शरीफ में एक पार्टी करने लगे हैं। ये देख ले, ये मेरा गांव मासू शरीफ। ये बच्चे देखे कितने बेचैनी से इस केक को खाने के लिए ना बेताब हैं। तो आज हम आपको रेसिपीज, एक ट्रेडिशनल रेसिपी गांव के तरीके से बनानी सिखाएंगे। ये बच्चे बड़े बेताब हैं टूटने के लिए केक के ऊपर। ये देखें, अखरोट है, बादाम है, ये देसी घी है, साथ वो शुगर है, ये मैदा है, ये दलिया है। ये बच्चे वादा मार रहे हैं, ताया 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 कर रहे हैं। आज हम ना केक बना रहे हैं गांव के अंदर ट्रेडिशनल तरीके से, देसी तरीके से। तो ये केक बनाना देखें, हमने आपको एक महफ़ल दिखा दी थी कि वो कितनी बेचैन है इस केक को खाने के लिए। ये देसी घी है, 300 ग्राम, और यहाँ पे मक्खी काफ़ी जो है ना, 300 ग्राम देसी घी था और 300 ग्राम शुगर है। ये शुगर दिया, देसी घी और शुगर, इसको हम बीट कर रहे हैं और साथ साथ अंडे ऐड करेंगे। ये काफ़ी जो है ना मज़ेदार रेसिपी है, और आप लोगों ने देखना है और कैसे बनती है, कैसे हमने इसका तरीकाकार सारा बताएंगे आप लोगों को। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, देसी घी। ये एक गांव का, विलेज का देसी घी है, और काली भैंस का देसी घी। ये काली भैंस का देसी घी हमने बनाया, तो उससे हम ना ये बना रहे हैं केक बना रहे हैं। केक का नाम हम आपको एंड पे बताएंगे। शेफ देखे कितने अच्छे तरीके से बीट कर रहा है उसको। अगर आप लोगों के पास घर में देसी घी नहीं है तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो हम देसी घी में मिला, हम तो देसी घी यूज़ कर रहे हैं। ये अंडे और चीनी, जिससे हमने शेफ साहब देखें कितने अच्छे तरीके से बीट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को देसी घी ना मिले, बटर मिल जाए, ऑयल मिल जाए, ये एग डालें, एक और एग, वन मोर एग। देखें ये देसी अंडे हैं, देसी घी है, और ये अन्ना घर की फ्रेश योगर्ट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख लें, साथ गाँव की आवाज़ें भी आ रही हैं, तीन पाँव की। ये बच्चे भी शोर कर रहे हैं, बड़े बेचैन हैं केक खाने के लिए। केक हमने उनको बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार केक बना के देते हैं। शेफ साहब हमारे प्यार कर रहे हैं केक। शेफ साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें मेहनत से बनती हैं, और जितनी ज़्यादा मेहनत की जाए उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी बनती हैं। इसके अंदर हमने एक टेबल स्पून कोका पाउडर, तो एक और टेबल स्पून कोका पाउडर ऐड करेंगे। चलेंगे दो टेबल स्पून इसके अंदर हमने, दो टेबल स्पून हमने कोका पाउडर ऐड किया। अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट ऐड कर दिया, देखें वो वाइट वाइट नज़र आ रहा है। तो केक का जो आज हमने बनाना है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत लजीज है। आप लोग रेसिपी को फॉलो साथ साथ करते जाएं, हम बताते जा रहे हैं। मेरे को ना मैं तो गाय थक गई। दूसरी ला खा, अब इसको नहीं सही सही अंदर गुटलियाँ उतारो।
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਬੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਤਾਂ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਓਏ ਬਾਪ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਤਿਓ ਸ਼ਿਤਿ ਨਿਮਰੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਆ ਜੀ ਵੇਖੀ ਸ਼ਿਤਿਓ ਨਾ ਓਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਗ ਪੈ ਦਾ ਅਬ ਦੁੱਲਾ ਡੈਗ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ कपड़ा कौन ही लेंदा साफ करने वाला नहीं यार इधर नहीं कर चाचू तुसी कार है ना फैन फैन और इधर चल ना चाचू चीनी आ मैं चाचू चल ना सारा कुछ ग्रैंड सर को पाई दा चाचू असि ग्रैंड पर कर अस तक ग्रैंड मारी दा कहां ना सही नहीं सही बंदा तो मेरा कर की है छोड़ दे एक कोली और का चाचू नहीं बना आ गई चाचू ने बंद कर छोड़ दे ना छोड़ कोली साफ है साफ उसको कोली दे बाजी ने मांगो इतना तो मेरा नहीं के पत्ते नहीं वाला तो फिर साफ कोली अब ये लो पापा ही दुल्ला ले जान दे इतना छुट्टी है ना मैं थल्ले छाटना उतना छुट्टी है तू मेरे से पहले बता साफ करनी पुराने लिया तू साफ करने तू नवे चुके ले कोई दया जी मैं सड़ा तो साफ करना ना साफ कर ला एक चमच और कोको पाउडर पा मैदे च पा खुशबू भी कितनी प्यारी उतरे दी आंदी नहीं दी प्यार आंदे हाले तो फिर भी हो आंदी है जिवें कोई शय सड़दी हुंदी है आहो चाचू होए चूल्हे ते पकाना पया है ए तू जोर नाल कर मिक्स फिर होना आ नहीं सही मिक्स दूजा सही है ब्रीक वाला है ना चाचू ब्रीक वाला ले ले जिंगा ले ले यही से ऐसे बनाया ये तू ही आ जा जी ए चला दे ऐसा रस्ता भाई लड़ो मरो आपा करा दा ना ये तो आधा भी है ना आ देख साडा भी समान है आपा दा भी तो आधा भी ए गणेश जी का साथ
निकला तू तड़ा के ही रखीजिए ए तू तो अठ चल आनी ट्यूशन ਕਾਚੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੱਲ ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਉਧਰ ਬੱਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਬੱਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਦੀ ਸੱਚੀ ਬੱਤਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਾ ਜਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬੱਤੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੂਹ ਤੋੜ ਦੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਲਾ ਦੇ ਸਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੋੜ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੁੱਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਿਮਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਨੂਰ ਬੜੀ ਸਾਊ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਣ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਦਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲਓ ਲਓ ਪਲਟੋ ਤੇਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰੋਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਪਸ਼ ਕਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਕੋਕੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਚਮਚੀ ਸਟੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਟੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਚੱਟ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਟੇਨਰ ਨਾ ਚਮਚੀ कोई नहीं होना पापा ने आ ही जाना कितना सख्त हो गया फैंड फैंड ले मां आ देखो हां ले निकल और अपना और अपना आ रख दे हुंदा है आ और रख दे और मेरा ही मैं उधर रखता चला ना रे तो ये थोड़ा है ना थोड़ा है आधे को कप तो थोड़ा है ना दूध भी ले के निकल दो ने इंदिया तू तेनू क्या तू जवेरियां नु इधर वे है दस तू सुन खाया की तू पाया की कौन नून गए ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋ ਤੇਰੀ ਡੰਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਤੀ ਪੈਦਰ ਬਣਾ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣ ਦਾ ਪਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਮਚਾ ਪਿੰਦਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵਡਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਡੇਲੇ ਵਡਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ चाचू छोटे छोटे ਮਰੂੰਡਾ ਮਰਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਸਕਿਟ ਜਾਂ ਮਰੂੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਣਾ ਹੈ ਸਫਿਆਨ ਆਣਾ ਆਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲੈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੋ ਕੋਈ ਖੰਡੀ ਕੁਛ ਮੰਨੀ ਖੰਡਾ
ਆ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਓਏ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤੀਲ ਉਹ ਧੋਤੀ ਕੀ ਨਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੜਾਈ ਲੈ ਟੱਕਣ ਚੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾ गरम गरम नहीं सी ले के आना तेनू मैं कहा सी अद्धे कप तो थोड़ा या छोटा कप छोटा दे विच नहीं इत्थे रख बस इन्ना ही दे विच पा थोड़ा या ते बाकी ले आया दही 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 आले चल कुछ नहीं पाई चल ले जा वापस रख ले लो ना पीला पापा आ गए ने सारिया थल्ले मेरे पापा आए हैं पापा आए ने दफा यार आग बाल दियो ये तैयार हो गया सादी है मैं तेरा ला देना उत्तो है पतीला यार ये रेंज रख ला मैं तेरा पतीला ला देना मेरे को एक आपी नु दे दे छोड़ बड्डे नु आ हो गया आपी हम नु दे दे ले आ जा ओ बक्की पंदी तो बस गुस्सा किंदा पंदा बस गुस्सा बस गुस्सा खड़े जो दोनों इथे खड़े हो हां उंदा की बात गया ਯਾਗ ਬਾਲ ਲਾਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇਹ ਉਹ ਟਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਖਲੋ ਖਲੋ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇ ਆ ਸਾਫ ਉਹ ਭਰਾ ਪਲੇਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਾ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਪੰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਲਾ ਸਪੰਜ ਵੀ ਸਹੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੇਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਂਡੇ ਤੇ ਚਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੋ ਚਮਚ ਖਾਣਾ ਅਸਲ ਹਾਂ ਕੋ ਦੋ ਹਾਂ ਹੋ ਪਾਪਾ ਵੇਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਜਾਂਦੇ ਚਾਚੂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਦਾ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚੂ ਬਸ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਉੱਠ ਚਲ ਚਲ ਉੱਠ ਚਲ ਉੱਠ ਤੂੰ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਉੱਠ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬੋਲ चलिया
थर्मोस्टेटर खराब होएगा चल इधर कर सब तो पहले तो पता चाचू को ना दे दो इनके नाल आज साफ कर ले ओ साले चल तू फेरे थे आ गई दूजी तू किते बनानी इनके से ये अंदर चलना छोड़ दूजी कड़ा ओ मैं हो इतने से क्या ए सीरा ने सटे आ पाक नाल ओ वे पापा जी अन्ना खुल लो सारे ठहर जा इंगे बखा के पाएं ठहर जा उन मिक्स कर पहले चल बखा के दो खा दिए ओ कल्ली शादी है ओदो विचिया नहीं बनाया नहीं अब खाना बनाया इन्हें बनाया नहीं बनाया ओ पापा ने बनाया है हाँ तो अपनी नानी के रहा होगी शादी और कहीं शादी ये सारा तो लाल है चलो कोई बेकिंग पाउडर नहीं दस्ते इसके अंदर बेकिंग पाउडर मैदा सब मिक्स करके हमने डाला है कोका पाउडर भी इंग्रेडिएंट्स देख लें हमने कितने महंगे और कितने एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसके अंदर और ये चॉकलेट का नाम हम आपको एंड पे बताएंगे केक बहुत मज़ेदार है आप लोगों ने फॉलो करना है इसको तो आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई अखीर एंड तो ये आप चेक कर लें कि कैसे बन रहा है शेफ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक एक चीज़ रह गई है बनाना बनाना भी डालना है इसके अंदर ये देख लें ये मेरा गांव है आज गांव के अंदर हम अपना एक बहुत अच्छा या केक बना रहे हैं ये बच्चे देखें केक खाने के लिए कितने बेताब हैं ये कहते हैं कि एक बार केक बन जाए हम टूट पड़ेंगे उसके ऊपर तो ये मेरा गांव है असलम का गांव आप देख लें असलम का गांव तो ये देख ये मस्जिद है बर्तन बचे हैं ये बच्चे देखें कैसे टूट पड़े इनके ऊपर पूरा मंजर देखें गांव का ये चीपा हुहा
क्योंकि ये भी है ये शेफ तैयब है ये देखें जी चूल्हे के ऊपर बेकिंग करने के लिए ये पतीले के अंदर आपने पहले रेत ऐड करनी है और फिर इसके ऊपर रॉक बजरी क्रश जिसको बोलते हैं बजरी वो डालनी है ये बजरी इसके ऊपर इससे हीट अच्छी मिलती है बेकिंग अच्छी हो जाती है अक्सर लोग कहते हैं जी बगैर ओवन के देसी तरीके से बेकरी बनानी सीखें और जो देसी तरीके से चूल्हे के ऊपर बेकरी बनती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बहुत ही अच्छा आता है। अभी इसको लग जाएंगे कोई एक घंटा तो लगेगा ना बेक होने पे। ये देख ले पास रोटी भी बन रही है ये पुराना ओल्ड स्टाइल 1947 वाला ये चूल्हे देख लें और पतीली के अंदर केक बेक हुआ देख लें उठाओ ढक्कन देखे कितना यमी यमी खूबसूरत केक क्या बात है निकालो ये बगैर ओवन के केक बेक किया रोटी खानी है आप लोगों ने तो आ जाएं ये जो आज हमने केक चूल्हे के ऊपर पतीले के अंदर तैयार किया ये आज हमने गांव में चूल्हे के ऊपर केक तैयार किया केक देखो कितना मज़ेदार है ये बादाम लग रहे हैं अखरोट बिस्किट सर्दी के लिए विंटर सर्दी के लिए कितनी आला चीज़ तैयार कर रहे हैं कितने ड्राई नट्स ये आप अपनी आँखों से देखें ये केक ऊपर से इसका टॉप पूरा भर गया है सारे केक के ऊपर ना नट्स लगे हुए हैं आलमंड अखरोट्स बनाना चॉकलेट बिस्किट भी गार्निश के लिए हमने यूज़ किए ये केक के हम ना फाइनल गार्निश करने लगे हैं इस केक की फाइनल गार्निश देख लें कितनी खूबसूरत गार्निश है और कितना मज़ेदार केक तैयार हुआ ये को कह सकता है कि ये 5-स्टार होटल से कम है ये इंटरनेशनल केक है इसके ऊपर आपको कलर देखे कितने नज़र आएंगे और ये जो ऊपर से हमने गार्निश कर दी है सॉस की इसने खीर कर दी एंड हो गया आला हो गया इस केक का नाम आप लोगों ने बताना है क्या हो सकता है पेंडू केक हो सकता है नहीं नहीं जी मीची केक ये इंटरनेशनल केक हो सकता है ये शेफ साहब है तैयब है तो इसने बड़ी हेल्प की है केक बनाने की ये पूरा गांव भी पीछे नज़र आ रहा है आपको केक देखें केक लुक देखें केक की लुक देखें हाँ ये तैयब शेफ है ये देखें मस्जिद भी वो मस्जिद भी है आज शेफ हैप्पी है यहाँ पे ना बड़ी सर्दी है ये केक हमने ना पिंड में बनाया गांव में छत पे तो देखें ये कितना मज़ेदार अब ये केक के ऊपर टूट पड़ेंगे ओ एक तेरी
पीछे हो जा सही है पीछे पैर तो भाई पीछे करो ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹਾਥੀ ਜਪਾਨੀ ਫਲਾਇਆ ਤੇ ਟੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗਾਓ ਮੇ ਬਣਾ ਹੁਆ ਕੇਕ ਹੈ ਦੇਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਦੇਸੀ ਮੈਦਾ ਦੇਸੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਬਣਾ ਹੁਆ ਕੇਕ ਹੈ ਕੇਕ ਦੇਖੇ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਤਾ ਹੈ किसी 5-7 स्टार होटल का बना हुआ केक है किसी गांव किसी पिंड का बना हुआ केक नहीं है ये शेफ़ देखें ये जापानी फल खा रहा है मुसैब फिल्म पे फिल्म बनवाना पे अच्छा मेरे दूर जरी कर एडा वा मूह लग गया जिम्मे मूह करना पे खोता आवे चिट्टा जा की केड़ा पानी पे पी ला ये तैयार सही है भी है कपड़े नहीं होंगे नहीं नहीं आ उते दिस बात है आ मक्खी दे घूमदा तो स्क्रीन ते लगी अच्छा होना है ओल कर फूफू कर कर तुम लाट गए उन्हें पता ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਨ ਕਰ ਕਰ ਓਨ ਕਰ ਟਰਕ ਨੂੰ ਕਰ ਓਏ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਦੇ ਓਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੈ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਸ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਟੇਰ अबे मूंछ भरवाना ही पेचकस